7 जून 2018 जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम 3000 युवाओं की जुटान को संबोधित करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बाबूबाजी कश्मीर में यह नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। कश्मीर कई बार आने का मौका मिला है लेकिन यह नजारा अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा और इन बच्चों के उमंग और उत्साह को देखने के बाद इनके अंदर जो एनर्जी है उसको इस हकीकत को समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यह सब सारे हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान केवल जम्मू कश्मीर की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, पूरे मुल्क को बना सकते हैं, यही इनके अंदर का है। जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, स्पोर्ट्स एनर्जी और कंपटिटिवनेस दोनों को सही दिशा देने का काम करता है और स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी वही पारा को इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम उन्होंने यहां पर ऑर्गेनाइज किया है। राजनाथ सिंह ने जब ये बात कही उस वक्त कश्मीर की सड़कों पर पत्थरबाजी आम बात थी। बीबीसी की एक खबर में लिखा गया, जम्मू कश्मीर के लिए 2018 के शुरुआती 5 महीने काफी भयावह और डरावने रहे थे। सड़क पर युवाओं और सुरक्षा कर्मियों में झड़प आम सी बात थी, लेकिन ऐसे समय में भी युवाओं को गलत रास्ते पर जाने की बजाय खेल से जोड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे और उसका असर भी दिखाई दे रहा था। 7 जून 2018 को हुआ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था और इस आयोजन का क्रेडिट मिला 30 साल के नौजवान नेता वहीद पारा को। वहीद पारा जम्मू कश्मीर पीडीपी की यूथ विंग के अध्यक्ष रहे हैं, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के विश्वस्त माने जाते हैं। ऐसे समय में जब कश्मीर की सड़कों पर दिल्ली विरोधी लहर थी, पारा खुलकर भारत के संविधान और लोकतंत्र के समर्थक के तौर पर उभरे। वहीद पारा को उनके शानदार सांगठनिक कौशल के लिए जाना जाता है। 2018 में राजनाथ सिंह ने घाटी के युवाओं को जोड़ने के लिए वहीद पारा की तारीफ की थी, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। महबूबा मुफ्ती ने जब बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई तो वहीद पारा कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव बने। 2016 से 2018 दो साल तक वहीद पारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव रहे और इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में युवाओं को खेल से जोड़ने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और युवाओं को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने के उनके काम की खूब तारीफ हुई। खास तौर पर दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जैसे संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में उन्होंने युवाओं को आतंकवाद की बजाय विकास की राह पर चलने को प्रेरित किया। जिस तरीके से वाहिद पारा ने कश्मीर के युवाओं को हिंसा छोड़ खेल से डेमोक्रेसी से जोड़ने के प्रयास किए थे, इसकी हर किसी ने तारीफ की। यहाँ तक कि दो बार गिरफ्तार होने के बाद भी 18 महीने जेल में बिताने और तमाम आरोपों यातनाओं के बाद भी वाहिद पारा वापस लौटे तो सड़क से लोगों को संविधान में भरोसा करने, लोकतंत्र पर भरोसा करने की अपील करते नजर आए। अनुच्छेद 370 के जम्मू कश्मीर में निष्प्रभावी होने के बाद राज्य में दो चुनाव हुए, DDC यानी पंचायत स्तर के और लोकसभा स्तर के। दोनों ही चुनाव में वहीद पारा बतौर उम्मीदवार उतरे और लोगों से लोकतंत्र में भागीदारी की अपील की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पैदा हुए वहीद पारा जमींदार परिवार से आते हैं। स्थानीय स्कूल से शुरुआती पढ़ाई के बाद श्रीनगर के पास स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट से मास्टर की डिग्री ली। वहीद के दादा मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी थे, घर पर राजनीतिक गतिविधियां होती रहती थी। वहीद पारा भी बचपन से ही इसका हिस्सा बनते गए। पीडीपी ने वहीद पारा को यूथ आइकन के तौर पर रिप्रेजेंट करना शुरू किया। वहीद पारा पीडीपी की यूथ विंग के फिलहाल अध्यक्ष हैं। खुद महबूबा मुफ्ती कई बार ये कह चुकी हैं कि कश्मीर के युवाओं ने जो दर्द झेला है उसका सबसे बड़ा उदाहरण वहीद पारा हैं। महबूबा मुफ्ती ये इसलिए कहती हैं क्योंकि अगस्त 2019 में 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई, इसमें वहीद पारा भी शामिल थे। फरवरी 2020 में वही श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल से रिहा हुए, जिसे अस्थायी जेल में तब बदल दिया गया था। हालांकि घर पर रहने के दौरान भी वे 3 महीने तक नजरबंद रहे।
इसके बाद नवंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी DDC के चुनावों की घोषणा हुई। वहीद पारा ने अपने गृह नगर पुलवामा से चुनाव की तैयारी शुरू की, नामांकन भी किया, लेकिन नामांकन के 5 दिन बाद ही NIA का बुलावा आ गया। पूछताछ और हिरासत के बाद वहीद पारा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आतंकियों से संबंध रखने और टेरर फंडिंग का आरोप लगा। वहीद पारा के परिवार ने उनके लिए प्रचार किया। नतीजे आए तो पुलवामा जिले से वहीद पारा ने BJP के शहजाद अहमद को हरा दिया, जेल में ही रहते हुए। कुल 1800 वोटों में से 1300 के लगभग वोट अकेले पारा को मिले, लेकिन उन्हें अगले 2 साल तक शपथ लेने का मौका नहीं मिला। जनवरी 2021 में पारा को NIA की एक स्पेशल कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन रिहाई हो पाती इसके पहले ही उसी शाम फिर से एक मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पारा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के साथ गुप्त संबंध स्थापित किए। पारा पर आरोप है कि जब PDP की सरकार थी तब पारा के सरकारी आवास पर आने वाले लोगों की तलाशी लेने से सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया जाता था। पारा एक ओवरग्राउंड वर्कर यूसुफ गदरू के जरिए आतंकियों से संबंध रखने का आरोप भी उन पर है। जम्मू कश्मीर की एक स्पेशल यूनिट ने कोर्ट में पारा एवं 12 अन्य लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की, जिसमें इन 13 में से पारा ही एकमात्र ऐसे आरोपी थे जो अब जीवित हैं। बाकी सभी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। 18 महीने जेल में बिताने के बाद 25 मई 2022 को वहीद पारा को हाई कोर्ट से जमानत मिली। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वहीद पारा के खिलाफ वो अधूरे हैं। इनके आधार पर कोर्ट ये राय नहीं बना सकती कि जांच के दौरान लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं। यूसुफ गदरू से मिलने के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित नहीं होता है कि यूसुफ गदरू के साथ मेलजोल आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को लेकर था। इसी तरह की दलील वहीद पारा भी देते हैं। वो कहते हैं कि हम हर तरह के युवाओं से मिलते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश करते हैं। मई 2022 में जेल से बाहर आने के बाद पारा ने 18 महीने जेल में रहने के अपने अनुभवों को साझा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कपड़े उतार दिए गए, अंधेरी कोठरी में अकेले उन्हें बंद रखा जाता, यातनाएं दिए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। पारा ने कहा कि जेल उनके लिए स्कूलिंग की तरह थी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि उनके क्षेत्र के लोग किस तरह की यातनाओं से गुजर रहे थे। जेल में उन्हें महसूस हुआ कि इस अनुभव से गुजर रहे वे इकलौते व्यक्ति नहीं हैं। देश भर की जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं से उन्हें सहानुभूति हुई। जेल से बाहर आने के बाद पारा ने फिर से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पुलवामा, सोपियां, रजौरा जैसे इलाकों में सक्रियता बढ़ाई, युवाओं को साथ जोड़ा। यही वजह है कि PDP ने श्रीनगर लोकसभा सीट से वहीद पारा को चुनाव मैदान में उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान वहीद पारा की छोटी छोटी सभाओं की तस्वीर खूब वायरल हुई। तस्वीरें वो भी खूब वायरल हुई जिनमें वहीद पारा से लिपट कर गले लगाकर महिलाएं रोने लगती। वहीद पारा, जिन्हें कुछ साल पहले तक दिल्ली के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता था, अब उन तमाम कश्मीरी युवाओं का प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे थे जिन्हें पिछले कुछ सालों में पकड़कर जेल में डाला गया। 2024 में हुआ लोकसभा का चुनाव पहला बड़ा चुनाव था जो 370 के निष्प्रभावी होने के बाद कश्मीर में हुआ। लोगों की निगाहें श्रीनगर पर थीं, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 14% वोटिंग हुई थी, वहां इस बार 38% वोट मिले। करीब 3 दशक का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि वहीद पारा चुनाव हार गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद रहुल्लाह मेदी ने करीब 2 लाख वोटों के मार्जिन से वहीद पारा को हराया। श्रीनगर सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से फारूक अब्दुल्ला 4 बार और उमर अब्दुल्ला 3 बार सांसद रह चुके हैं। अगस्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। वहीद पारा एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। PDP ने उन्हें पुलवामा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, जहाँ उनका मुकाबला जमात की राजनीति छोड़ मुख्य धारा में आए डॉक्टर तलत अजीज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज अहमद बंद से है। जनता का क्या फैसला होगा ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तब तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सभी चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।